जी नमस्कार, आप दोबारा डरपोक हो? पापा ने एक बार क्या डांटा, अब तो दोबारा वापस ही नहीं आए। अच्छा, क्यों आऊं वापस दोबारा डांट खाने? आप हमारे लिए थोड़ी सी डांट नहीं खा सकते थे? अरे ऐसे नहीं बोलते। आप आइए अंदर, चलो बैठो। शुक्रिया। कैसी है वशमा अभी? जी बस उसी के ठीक होने का इंतजार कर रहा हूँ। आपका दुख मैं समझ सकती हूँ। जी मेरा दुख तो उसके दुख के आगे कुछ भी नहीं है। जी उसके ठीक होने के बाद भी पता नहीं उसे कब तक अपने कबीर के बिना रहना होगा। एक माँ के लिए उसके बेटे से बड़ा और कोई सुख हो ही नहीं सकता। मैं तो मानक के बिना खुद को सोच भी नहीं सकती। तंदीर साहब अमृत कैसे हैं? ठीक है। बस अब ऐसे ही बातें करते रहोगे या फिर जिस काम के लिए हम आए थे वो भी करोगे? हाँ बाबा हाँ। दरअसल मैं सोच रही थी कि क्यों ना मानक की कोचिंग यहीं पर इधर ही शुरू कर दे। इसकी जिद भी पूरी हो जाएगी और आपको भी ज्यादा देर वशमा से दूर नहीं रहना पड़ेगा। और आपको पापा से डांट भी नहीं खानी पड़ेगी। आप ही बोलते हो ना कि मानो अगर आप हॉकी नहीं खेलोगे तो इंडिया टीम को बहुत अच्छे खिलाड़ी से हाथ धोना पड़ जाएगा। हमारा कबीर यही है। रणधीर ये क्या? हमारा कबीर यही है, लेकिन ये खत यहां आया कैसे? कौन लिख सकता है ये? कहीं वशमा तो नहीं? बहुत बढ़िया। अब इस कुर्सी के नीचे आप बॉल मारने की कोशिश करेंगे, अंदर जाएगी तो गोल होगा। जी कोच साहब। चल। कहीं पापा तो नहीं आ गए? मानक आप अंदर जाओ, आप अंदर जाओ। अच्छा मानक 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 ये लेकर जाओ। संदीप साहब अमरू क्या बात है? मानक बाहर आ जाओ, तुम्हारे भैया भाभी आए। मानक वो यहाँ क्या कर रहे हैं? रणधीर साहब अपने पापा से छुप छुप के हॉकी सीखने आता है। वीर जी ये चिट्ठी पढ़िए। क्या हुआ अमरू, क्या है चिट्ठी? पढ़िए इसे वीर जी। हमारा कबीर यही है। ए लड़की ये खत तो मेरे अलावा सिर्फ वशमा लिख सकती है। इसका मतलब कि वशमा को कबीर के बारे में कुछ मालूम था, कोई खबर थी? जी। पर क्या पता चला होगा वशमा को हमारे कबीर के बारे में? और उदय जब तक वशमा को होश नहीं आ जाता ना, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही हम कुछ पता लगा पाएंगे। अभी इतना पता चल गया, बाकी का भी पता चल जाएगा। और कम से कम इस चिट्ठी से हमें कबीर से मिलने की उम्मीद तो हो गई है। मतलब आप हमारी क्लास के समय सिर्फ बातें करते रहेंगे या हमें कुछ सिखाएंगे भी? उदय आप मानक के साथ प्रैक्टिस करिए, हम चलते हैं। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अभी हमें घर जाना होगा। इस खत के पीछे के राज को सुलझाने के लिए जल्दी कुछ करते हैं। चलिए। इस चीज को संभाल के रखना होगा, गलती से भी किसी के हाथ न लग जाए। आखिर क्या छुपा रही है कावेरी बुआ?
रणधीर। अमृत क्या हुआ? रणधीर कावेरी बुआ अपनी अलमारी में कुछ छुपा रही है हमसे। हमें पता लगाना होगा कि वो क्या है, पर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे। मेरे पास एक आइडिया है। अगले हफ्ते आपका मैच है, ये लो फॉर्म। मैच खेलना है और जीतना है ना? हाँ, जीतना पड़ेगा। और अगर आपसे ज्यादा अच्छे से खेलती है सामने वाली टीम, तो फिर आपको क्या करना है, आपको सामने वाली टीम की तारीफ भी करनी पड़ेगी। शांति से बैठ के पिया जाता है, पर नहीं, आपको कुछ समझ में तो आता है नहीं। अगर गलत बात करेगा ना, तो रात को 2 बजे आके तुझसे लड़ूंगी। बड़ा बनने के लिए लड़ना पड़ता है उदय, कभी सपनों से तो कभी अपनों से। क्या हुआ, आप रो रहे हो? नहीं, वो तेरी वो कोच मेम साहब है ना, वो भी मुझे ऐसी डांटती है। आजकल डांट नहीं रही ना, बस याद आ गई। मर गए? कहीं पापा तो नहीं आ गए? जी नमस्ते। जी नमस्कार। जी पर छत्ते पे कुछ सामान पड़ा हुआ है, आपका कद भी बड़ा है, तो सामान उतारने में मदद करिए। जी जी क्यों नहीं, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है, क्यों नहीं। एक मिनट मानक, मैं आया। हाँ मानक के सच को लेकर तुम्हारी चुप्पी बनी रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए मेरा यहां आते रहना जरूरी है। वशमा, अलमारी की चाबियां कहां खो गई, कहीं किसी के हाथ न लग जाए। ये चाबियां यहां, कुछ तो गड़बड़ है। मानक मैं आया। हाँ देख तो नहीं लेंगे, कुछ सब चल दिया। तुम्हें क्या लगा था कि तुम सबको बता दोगी कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है? कभी नहीं। मानक, मानक जल्दी आओ। तुम्हारे पापा ऐसे तुम्हें ढूंढते ढूंढते, अच्छा हुआ उनकी नजर नहीं पड़ी आप पर। वैसे मेरे पापा आंटी के सामने कुछ बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? ये तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बच्चा, ऐसे ही कुछ बोल रहे थे। तुम्हारा अश्मा के आगे खड़ा होकर तुम्हारा बच्चा, कहीं ये कबीर के बारे में कुछ तो नहीं जानते? अमृत, अमृत क्या मिला आपको? वो क्या छुपा रही थी कावेरी बू? ये क्या है? रणधीर, ये वीर की ऑटोप्सी रिपोर्ट है।
वो अमृत की बच्ची हमारी अलमारी से वीर की रिपोर्ट निकाल के ले गई। आपको कैसे पता कि वो अमृत ही थी? वो अमृत ही है क्योंकि हमारी अलमारी की चाबियां खो जाना और अमृत का वहां से गायब हो जाना, ये दोनों एक ही समय हुआ है। हम फौरन आए और हमारी अलमारी हमने जांच की और वीर की रिपोर्ट हम जहां रखते हैं वो वहां है ही नहीं। ये अमृत ही लेके गई है। कावेरी बुआ ये रिपोर्ट इसलिए छुपा रही थी क्योंकि वीर के खून में जरूरत से ज्यादा नशीली दवाएं मिली हुई हैं। इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि वीर पर शराब का गलत असर हुआ था। रणधीर, इसका मतलब तो ये होता है कि कावेरी बुआ को इसकी जानकारी थी और वो तो महल में कुछ समय पहले ही आई है। इसका मतलब महल से दूर रहकर भी वो वीर को ये दवाइयां दिलवा रही थी। हाँ। यानी कि महल में से ही कोई उनके साथ मिला हुआ है। और ऐसा कौन हो सकता है रंदी? नमन। नमन जी, आपने देखा था ना रणधीर, उस दिन नमन किसी सच्चाई के बारे में बोलने ही वाले थे कि कावेरी बुआ ने उसे टोक कर अपने प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया और पूरी की पूरी बात ही पलट दी। और रणधीर, मुझे तो लगता है कि कावेरी बुआ और नमन एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। उन दोनों के बीच जरूर कोई पुराना रिश्ता है, वरना कावेरी बुआ इतने बड़े षड्यंत्र को पूरा करने में क्यों नमन पे इतना विश्वास करती? हमें जितना लगा था उससे कहीं ज्यादा चालाक और खतरनाक है कावेरी बुआ। समझने तो उन्हें जो समझना है, हमें भी बासी को पलटना आता है। दोनों के दोनों देखते रह जाएंगे। हमें हराना इतना आसान नहीं है जितना वो दोनों समझते हैं। दिखाइए हमें। ये लो। ये दोनों बहुत होशियार समझते हैं अपने आप को। इन दोनों की होशियारी तो हम निकालेंगे। हाबी को मानना ही पड़ेगा कि सचमुच रणधीर एक बहरूपिया है, वो उनका असली बेटा है ही नहीं। क्या हुआ डॉक्टर, बताइए ना कि क्या मैं कभी माँ बन पाऊंगी? क्या प्रॉब्लम है, कुछ बताइए ना डॉक्टर। इज शी ओके? मतलब इनकी जो भी प्रॉब्लम है उस कैलाश तो हो सकता है। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, आपने इतना पैसा खर्च करके मेरा अपॉइंटमेंट क्यों लिया? मेरा ओपिनियन जानने के लिए ना? जी। तो फिर सुनिए तो सही। जी। द थिंग इज, योर वाइफ इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट। Yes, she is already pregnant. हमारी डॉक्टर ने कहा था कि इंटरनल इंजरीज की वजह से मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। इंटरनल इंजरीज? बट देर आर नो इंटरनल इंजरीज। क्या? बाबू साहब। जी नमस्कार। अमृत, रणधीर, उनसे मिलना था, कुछ बात करनी थी। वो अभी दोनों आए नहीं हैं। नहीं आए? अच्छा। कौन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोला था ना कि महल के आसपास भी नजर मत आना। ये मेरी बहन का ससुराल है, मेरी मर्जी, मैं जब चाहे तब मिलने आ सकता हूँ। वैसे उसको एक खुशखबरी सुनानी थी, बस इसीलिए आया था। इसलिए ढूंढ रहा था रणधीर साहब को, अमृत को, न जाने कहाँ है। कैसी खुशखबरी? जी, डॉक्टरों का कहना है कि वशमा की तबीयत अचानक से एकदम बेहतर होने लगी है। जी, डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कहा है कि आप इसको चमत्कारी समझिए और एक बार होश आ जाएगा तो
बस इसीलिए रणधीर साहब और अमृत को ढूंढ रहा था, मुझे वो वाली बात भी पता लग जाएगी। कौन सी बात? जी एक बात थी, वो मुझे बताने ही वाली थी और फिर वशमा को सर पर चोट लग गई, लेकिन अब ठीक हो जाएगी तो मुझे मालूम पड़ जाएगी। चेहरे पर तो हवाएं उड़ रही हैं चाचा जी, उदय का निशाना कभी नहीं चुकता। अब पता चल जाएगा कि वो क्या चीज है जो वशमा जानती है और आप जानकर भी मुझसे छुपा रहे हैं। भाभी हमें आपकी बहुत चिंता होती है, आपको देख देख के हमें दुख होता है। हम आपको बार बार कहते हैं ये अमृत से बच के रहना, हमें लगता है ये जरूर कोई राज आपसे छुपा रही है। साफ साफ कहिए आप क्या कहना चाहती है कावेरी। हमें पता है आपने ध्यान नहीं दिया होगा, इसीलिए हम आपको बता देते हैं। हम वहाँ से गुजर रहे थे जब रणधीर और अमृत किसी कागज के बारे में बात कर रहे थे। हमने रणधीर को अमृत से कहते हुए सुना कि अच्छा हुआ जो आपने रानी माँ से कागज छुपा लिया और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। भाभी ऐसा कौन सा राज है उस कागज में जो वो आपसे छुपा रही है? हम आपके जगह होते ना तो इस बात की गहराई तक पहुंचते, पता लगाते कि ये कौन सी बात है, लेकिन आप तो ऐसा करेंगे नहीं ना। कोई बात नहीं, आप बीमार हैं, आप अपना ध्यान रखिए, हम चलते हैं। क्या भाभी आपने सच्चाई जानने का फैसला लिया? हम तो भूल ही गए थे कि ये कागज यहां कूड़ेदान में पड़ा है। ऐसे लिखा क्या है इसमें? वीर की चिट्ठी है, ये स्याही भी वीर की है और लिखावट भी। क्या लिखा है? मां बहुत बार कोशिश की मगर आपसे कह नहीं पा रहे, इसलिए लिखकर आपको बताना चाहते हैं। रणधीर कुछ समय से हमें धोखे से कोई ऐसी दवा दे रहे जिसे खाने के बाद हमारा खुद पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है, हमारा गुस्सा बढ़ जाता है और हम अजीब सा बर्ताव करने लगते हैं। बरसों बाद अपने भाई से मिलकर जितना अच्छा लगा उतना ही यह जानकर दुख हो रहा है माँ। गद्दी के लालच में सगे भाई को रास्ते से हटाने वाली बातें किससे कहानियों में तो सुनी थी, मगर हमारे अपने घर में ऐसा हो जाएगा हमने कभी नहीं सोचा था। सबके सामने हम अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं लाते क्योंकि हम नहीं चाहते कि रणधीर को शक हो जाए। हम आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। आप आज जश्न के बाद पुरानी हवेली के पास आकर हमसे मिली और हम जब तक ना गए ये बात सिर्फ अपने तक ही रखिएगा। आपका बेटा वीर प्रताप सिंह। बैठिए यहाँ, मैं आपको संभालिए। ये सारा किया धरा तो हमारा ही है, पर अब अगर वीर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बधाई हो, आपकी बात झूठ निकली। कांग्रेचुलेशन। मैं अभी आती हूं। डॉक्टर अब सच बताइए डॉक्टर कि आपने किसके कहने पर हमसे ये सब कहा? वो झूठी रिपोर्ट क्यों दिखाई आपने? ये सब करने के लिए मुझे आपके परिवार में से किसी ने कहा था।
किसने? कावेरी बुआ ने? जी। वशमा की हालत ठीक नहीं है, उसकी स्थिति जो पहले थी आज भी वही है। उदय, तुम्हारी बात सुनकर तो हम इतना खुश हो गए थे कि हमने तो जश्न की तैयारी कर दी थी। घबराइए मत आप चाचा, जश्न होगा, बड़ा जश्न होगा, धमाकेदार जश्न होगा, और उस जश्न में मैं आऊंगा, मेरी पत्नी आएगी और आएगा मेरा बच्चा, मेरा कबीर। माँ, माँ बाहर आइए, माँ, माँ आपसे कोई मिलने आया है, हमें आपसे बहुत जरूरी बात भी करनी। माँ, माँ ये डॉक्टर साहिबा ना आपको कुछ बताना चाहती हैं। माँ हमारे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। माँ कावेरी बुआ नमन के साथ मिलकर हमारे साथ कोई बहुत गंदा खेल खेल रही है। माँ, माँ वो लॉकेट, वो चोर, माँ वो सब कुछ झूठ था, और इससे बड़ा भी झूठ उन्होंने अमृत के बारे में। माँ ये क्या कर रही हैं आप, पहले एक बार पूरी बात तो सुनिए। हमें किसी की कोई बात नहीं सुननी है। विजेंद्र जी, इस बहरूपी और उसकी पत्नी को धक्के मार के हमारे महल से बाहर निकाल दीजिए। लेकिन माँ मुझे लगता है आपको कोई गलत। खबरदार, खबरदार, अपनी झूठी जुबान से तुमने या तुम्हारे पति ने हमें माँ कहा तो। तुम लोग कावेरी जी पे आरोप लगा रहे थे, लेकिन एक वही है जिन्हें हमारी सबसे ज्यादा फिक्र है। उन्होंने हमें सबूत दिए जो साबित करते हैं कि आप हमारे बेटे नहीं, बेटे होने का नाटक कर रहे हैं। किस सबूत की बात कर रही हैं आप माँ? अपनी आंखों से देख लीजिए और कानों से सुन लीजिए। आ जाइए। बाबूजी, आप यहां? अब बहुत हो गया, इन सबको पता चल गया हमारा झूठ पकड़ा गया। झूठ? इन्हें पता चल गया कि तू रानी साहब का बेटा नहीं, मेरा बेटा। हमने इनके पैसे हड़पने के लिए ये सारा खेल रचा था। बस बाबूजी, आप उतर पास। ये सच है बेटा, तू तू प्रेम नहीं है, तू रणधीर, रणधीर राजदादा। माँ ये तो बस, ये सारे नाटक अपने घर जाके करना। ये वीर की लिखी चिट्ठी छुपा रही थी ना उस दिन तुम, यही वो चिट्ठी है ना? लेकिन कावेरी ने हमें समझाया और कचरे की पेटी से हमें ये चिट्ठी मिली और सारा सच हमारे सामने आ गया। विजेंद्र जी, नमन, आप दोनों देख क्या रहे? निकालिए इन्हें बाहर। गलती तुम करते हो और बदनाम हमें कर रहे हो। चलो निकलो बाहर, निकलो बाहर। रणधीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये वो कपड़े हैं जो हादसे के वक्त रणधीर ने पहने थे। अमृत, अमृत, रानी साहब, रानी साहब, मेरा रणधीर।
नहीं है सर, कैसे होंगे? तुम्हारा बच्चा रणधीर जिंदा है और सुरक्षित है। ये क्या कह रही है? वही जो तुम सुन रहे हो। फिर वो चिट्ठी, वो कपड़े, वो खून के दाग? वो रणधीर के नहीं थे, वो किसी और के थे। लेकिन अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो अगली बार शरीर भी उसका होगा और खून भी। उन्होंने कहा कि तुम रानी साहिबा के सामने वही कहोगे जो मैं कह रही हूं, तो मैंने चुपचाप उनकी बात मान ली। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।